गुजरांवाला में रिश्ते से इनकार पर मंगेतर ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी है। लड़की की वालिदा जांभाग और बहन जख्मी हो गई है। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, ये वाकया थाना फरोजवाला के इलाका खोड़ी में पेश आया है, जहां पे मुलजिम फारूक है जिसने अपनी कजन को जो है उसकी शादी जो किसी दूसरी जगह पे तय हुई तो उसने जो है फायरिंग की है, जिसके नतीजे में उसकी मां जो है जहां बख्त के बहन जो है जख्मी हो गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है मौके से फरार हो गया है, जबकि जो मरियम जो है उसकी दो रोज ईद के बाद जो है वो निकाह था, जिसका जब नौजवान को पता चला कि उसके निकाह होने जा रहा है किसी और के साथ तो उनके घर में घुस के फायरिंग की। मरियम जो है वो खुशकिस्मती से बच गई, लेकिन उसकी वालदा जो है गोली लगने से जामक हो गए, जबकि बहन की। आपका शुक्रिया मोहसिन तफसीलात बताने के लिए। गुजरांवाला में रिश्ते से इनकार पर मंगेतर ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी है। लड़की की वालिदा जांभाग और बहन जख्मी हो गई है। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, ये वाकया थाना फरोजवाला के इलाका खोड़ी में पेश आया है, जहां पे मुलजिम फारूक है जिसने अपनी कजन को जो है उसकी शादी जो किसी दूसरी जगह पे तय हुई तो उसने जो है फायरिंग की है, जिसके नतीजे में उसकी मां जो है जहां बख्त के बहन जो है जख्मी हो गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है मौके से फरार हो गया है, जबकि जो मरियम जो है उसकी दो रोज ईद के बाद जो है वो निकाह था, जिसका जब नौजवान को पता चला कि उसके निकाह होने जा रहा है किसी और के साथ तो उनके घर में घुस के फायरिंग की। मरियम जो है वो खुशकिस्मती से बच गई, लेकिन उसकी वालदा जो है गोली लगने से जामक हो गए, जबकि बहन की। आपका शुक्रिया मोहसिन तफसीलात बताने के लिए।